बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्फ़े मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आज उनका यौमे विसाल है। तमाम मेरे सुनने वाले देखने वाले जो सबसे गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मगफरत के लिए, आपके दर्जात की बुलंदी के लिए तमाम अहबाब दुआ फरमाएं। मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह 1944 में पैदा हुए और 2007 में अपने रब के हजूर पेश हो गए। पाकिस्तान के मुमताज आलमे दीन थे, बेहतरीन तर्जमा और हाशिया निगार, दो दर्जन से जायद किताबों के मसन्नफ और मुअल्लिफ, और रिज़वियात के बाब में एक ताबिंदा शख्सियत का नाम जनाब मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी का लिया जाता है। इंडो पाक में आपकी खिदमत कदर की निगाह से देखी जाती है। आपकी वलादत मिर्जापुर जिला होशियारपुर मशरकी पंजाब हिंदुस्तान में हुई। तालीम जो है आपने हासिल की जामिया रिज़विया फैसलाबाद, जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर और जामिया अमदादिया मजरिया में हासिल की। पाकिस्तान के मुतअद्दिद मदारिस में अपने इल्मी फैजान के चश्मे बहाए। अपनी तदरीसी जिंदगी का सबसे ज्यादा अरसा जामिया निज़ामिया लाहौर में गुजारा और शेखुल हदीस व सदर मुतरसीन के मनसब पर फायज रहे। फतावा रिज़विया शरीफ को जदीद तर्ज पर तखरीज और तर्जमा के साथ अशाद के लिए जब रजा फाउंडेशन का क्याम अमल में आया तो इसके लिए एक कमेटी की तश्कील अमल में आई। शर्फ मिल्लत को इस कमेटी का सदर मुंतखब किया गया। फतावा रिज़विया को जदीद तर्ज में लाने का अजीम और शान का आप के जेर सदारत पाया तकमील को पहुंचा। आप कि जो किताबें हैं, आपका तहकीकी काम जो है वो अजीम इल्मी कारनामे हैं जो आपको हयाते जादवानी अता किए हुए हैं, जिसने आपको हयाते जावतानी अता कर दी है। इतना तालीमी काम, इतना इल्मी काम किया। उर्दू अरबी फारसी जबानों अदब पर दस्तरस थी। आपकी किताबें इस बात की शाहिद है। दोस्तों, मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह जनाब मुमताज सदीदी साहब के वालिदे मोहतरम का नाम है। मुमताज सदीदी साहब से किबला पीर मुर्शिद हजरत हकीम अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह के हां मुलाकात रही। मुमताज सदीदी साहब जब पीएचडी के लिए जामतुल अजहर के, उस वक्त भी उनसे मुलाकात हुई। जब आप पीएचडी करके जामतुल अजहर से वापस पाकिस्तान तशरीफ लाए तो इनके एजाज में मेरे इंस्टीट्यूट कोजेंट इंस्टीट्यूट लाहौर में इनके एजाज में इस्तकबालिया भी दिया गया। मुमताज सदीदी साहब खुद भी हकीकी मायनों में अपने वालदे मोहतरम किबला मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के नतीजे में इंतहाई सादा और शफीक शख्सियत का नाम है। आपके वसाल से कुछ अरसा पहले, अब्दुल हकीम शर्फ कादरी साहब के वसाल से कुछ अरसा कबल, मैं और मेरे दोस्त जो सिविल एविएशन में डायरेक्टर हैं, हम हकीम शर्फ कादरी साहब की खिदमत पे उनके घर हाजिर हुए और बड़ी तवील नशिस्त इनके साथ की थी। बड़ी शफकत फरमाते थे। आज चूंकि उनका यौमे विसाल है इसलिए सोचा कि इतनी बड़ी, इतनी कदावर शख्सियत, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत को खराज अकीदत पेश करना इस नाचीज के लिए भी बहुत बड़े एहसास की बात है। अल्लाह पाक शर्फ मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल हकीम शर्फ कादरी रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो
तो उसमें अला मकामा ता फरमाए। आमीन सुम्मा।